ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाकों की आवाज, सड़कों पर पोजीशन लेकर तैनात जवान और हर तरफ अफरा तफरी, दहशत का आलम। यह मंजर है एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद का। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाके से ये पूरा इलाका थर्रा उठा। हाथ में बंदूक लिए एक आतंकवादी बीच बाजार फायरिंग करता रहा, और सिर्फ गोलियां ही नहीं, बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों पर बम से हमला भी किया। धमाकों की वजह से दुकानों में आग लग गई, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां हालात कैसे थे। आतंकी हमले की ये तस्वीरें असम के कोकराझार की है। साप्ताहिक बाजार लगा था और बाजार में काफी भीड़ भाड़ थी। लोग खरीदारी करने में लगे थे कि अचानक बाजार में ऑटो से आए आतंकियों ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। पूरे 20 मिनट तक आतंकियों ने बाजार में गोलियां बरसाई और ग्रेनेड फेंके। ये अचानक जो आज घटना हुआ, ये बहुत ही दुखद है, और इतने लोगों को मारना ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए अभी राज्य सरकार से भी संपर्क करके हम आधिकारिक रूप से पूरा डिटेल्स लेंगे, उसके बाद फिर पूरा सिचुएशन का जायजा लेते हुए क्या करना है आपको बताएंगे। हमले की खबर मिलते ही पुलिस और सेना के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दो उग्रवादी मारे गए, जबकि बाकी की तलाश जारी है। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त सुरक्षा बल दहशतगर्दों की तलाश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इस कस्बे के बीचों बीच गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस हमले के बाद कोकराझार में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काफी दिनों बाद कोकराझार में कोई उग्रवादी हमला हुआ था। हमले के पीछे NDFB यानी बोडो आतंकियों का नाम आ रहा है। NDFB असम का एक बड़ा आतंकवादी संगठन है। ये संगठन असम के लोगों के लिए एक अलग बोडोलैंड की मांग करता रहा है। इस हमले के बाद दिल्ली तक हड़कंप मचा। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री से बात कर हालात की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने भी हमले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट ली। Our government is committed to ensure the protection of life and property of the people of Assam, and that is why we have immediately directed our DG and senior police official to rush to the spot, and they have already started. And also our senior minister Dr. Himanta Biswa Sarma also moving to the spot with a troop. Our government is committed to take stern action against those extremist outfit to ensure the protection of the civilians. NSA Ajit Dobhal ne bhi is ghatna ke baad mukhyamantri se baat. Filhal zor is baat par hai कि कोकराझार में कोई आतंकी जिंदा तो नहीं छुपा।